आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ मटर की बहुत ही टेस्टी चटपटी सब्जी, जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी अगर आप इस तरीके से बनाएंगे। बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। इसे आप पराठे, चावल, पूरी किसी के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही इजी तरीके से आप बताऊँगे, बिल्कुल परफेक्ट चटपटे आपके ये छोले बनेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए ना मैंने यहाँ पे एक बोल ले लिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ 2 कप भीगे हुए मटर। वाइट मटर मैंने लिए है, यहाँ पे रात भर के लिए भिगो लिया है, तो यहाँ पे मैंने 2 कप लिया हुआ है, अच्छे से भीगा हुआ है। तो इसको अब आपको डालना है प्रेशर कुकर में। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 3 कप उसी कप से पानी जिससे मैंने मटर लिए हुए हैं। यहाँ पे मैं ग्रेवी वाली बनाने वाली हूँ, जिसे आप चावल के साथ खा सकते हैं, पूरी के साथ खा सकते हैं। अगर यहाँ पे आप कम ग्रेवी वाली सब्जी बनाना चाहते हैं ना, तो यहाँ पे पानी की क्वांटिटी आप कम रखें। इसके साथ ही आप यहाँ पे डाल दीजिए नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून डाल दिया है। अब हम लीड को कवर कर देंगे, यानी कि बंद कर देंगे प्रेशर कुकर को। ऐसे हमें पकाना है, यानी कि बॉईल करना है। तो गैस की फ्लेम को आप हाई करके यहाँ पे आप इसे पकने के लिए छोड़ दीजिए। तब तक मैंने यहाँ पे ले लिया है लहसुन 4 मोटे साइज की। यहाँ पे मैंने 2 प्याज लिए हैं, बहुत बड़े नहीं है, बहुत छोटे नहीं है। 2 टमाटर लिए हैं। तो प्याज की क्वांटिटी आप ना थोड़ा सा कम रखें टमाटर से, यानी कि टमाटर की क्वांटिटी थोड़ी सी आपको ज़्यादा रखनी है। अदरक लिया है, यहाँ पे हरी मिर्च ले लिया है। तो यहाँ पे हमें 4 विशल लगाने हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा गले हुए अगर आपको मटर पसंद है, तो यहाँ पे आप 4 विशल लगाइए। या आपको हल्के गले हुए चाहिए, तो 2 से 3 विशल में आपका ना हाई फ्लेम पे ये मटर पक जाते हैं, इससे ज़्यादा आप ना लगाएं। तो अब मैंने यहाँ कढ़ाई में डाल दिया है तेल। मैंने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल का यूज किया है। 3 से 4 चम्मच तेल डाल दीजिए। तेल को आपको यहाँ पे अच्छे से गरम कर लेना है। तो तेल जब आपका गरम हो जाए, तब आप इसमें डाल दीजिए जीरा 3-4 टीस्पून मैंने यहाँ पे डाला है। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे 4 से 5 दाने मैंने मेथी के दाने डाल दिए हैं। अब आपको लेना है खड़े मसाले। तो काली मिर्च, यहाँ पे मैंने लौंग, दालचीनी, तेज़पत्ता और 2 बड़ी इलायची को ना जो छोटे साइज की थी तो मैंने तोड़ के यहाँ पे डाला है। अगर बड़े साइज़ की बड़ी इलायची ले रहे हैं तो आप एक ही डालें। और यहाँ पे हम इसे हल्का सा भून लेंगे। गैस की फ्लेम को यहाँ पे आप लो रखें, मसाले आपके जले नहीं। इसके बाद ना आपको डालना है यहाँ पे अदरक, लहसुन और मिर्च का पेस्ट। तो इसको हम बारीक मैंने पेस्ट बना लिया है, उसको हम यहाँ पे डाल देंगे। लो फ्लेम पे इसको हम भूनेंगे जब तक कि जो अदरक लहसुन का जो कच्चापन होता है ना वो ख़त्म ना हो जाए। तो यहाँ पे आप इसे अच्छी तरह से पका लीजिए। तो यहाँ पे हमने लहसुन, अदरक, मिर्च को अच्छी तरह से भून लिया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। तो प्याज जो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ ना, बारीक चॉप करके डाल रही हूँ। आप यहाँ पे बड़े पीस में ना डालें, यहाँ पे इसे हम लो मीडियम फ्लेम पे ना इसे अच्छी तरह से हमें भूनना है। यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है, हल्का सा ये जब ब्राउन कलर का हो जाए इतना ही आपको पकाना है, तो अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने इसे अच्छी तरह से भून लिया है। ऑयल यहाँ पे सेपरेट होने लगा है, यानी कि हमारा जो प्याज है वो भी अच्छे से पक गया है। इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे नहीं पकाना है। तो इसमें हम ऐड करेंगे मसाले। तो आपको यहाँ पे डालना है 1/2 टीस्पून हल्दी का पाउडर। इसके साथ ही आप डाल दीजिए 1.5 चम्मच धनिया का पाउडर, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई चना मसाला नहीं ऐड करने वाली हूँ। नॉर्मल जो घर में मसाले होते हैं इससे मैं बना रही हूँ। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे जीरा पाउडर डाल दिया 1/2 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर। अगर आप चना मसाला डालें तो ये सब चीज़ें आप स्किप कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे डाल रही हूँ गरम मसाला 1/2 चम्मच। और आपको डालना है स्वाद के अनुसार यहाँ पे लाल मिर्च। तो हमने हरी मिर्च पहले भी डाली है, उसके हिसाब से आप यहाँ पे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ना मिर्च को एडजस्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे हम लो फ्लेम पे मसालों को भून लेंगे। तो यहाँ पे आपको 1 मिनट लगेगा लो फ्लेम पे भूनने पे। मसालों को भूनना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आपका टेस्ट जो आएगा ना छोले का बहुत बढ़िया आएगा। तो जब मसाले भून जाए तो आप इसमें टमाटर को पेस्ट को ऐड कर दीजिए। और यहाँ पे आपको इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। गैस की फ्लेम को आप एडजस्ट करते रहिए, कभी मीडियम तो कभी लो। तो यहाँ पे आप इसे कंटिन्यूस चलाते हुए भून लीजिए। तो यहाँ पे देखिए मसाले का कलर बहुत प्यारा आ गया है। थोड़ी देर के मैंने इसे छोड़ दिया है पकने के लिए लो फ्लेम पे। कुछ देर के बाद इसे हम फिर से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हमारे मसाले बहुत अच्छे से भून गए हैं। ऑयल यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे से सेपरेट हो गया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे कसूरी मेथी। जब यहाँ पे मसाला आपका भून जाए तब आपको ऐड करना है। तो मैंने 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी को ना हाथों में क्रश करके हम यहाँ पे डाल देंगे। बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। सिंपल घर के मसालों से आप इस तरीके से बनाएंगे ना, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। इसको भी हम इसी के साथ हल्का सा भून लेंगे। तो यहाँ पे हमारे मसाले बहुत अच्छे से पक गए हैं। तो अब आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस ऐड कर देना है अपने छोले को जो हमने बॉईल कर रखा है। तो इसे हम मसालों में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे ना हमने
तीन विशल लगाया है तो मटर हमारे बहुत अच्छे से पके हुए हैं। यहाँ पे हमें बहुत देर तक इसे पकाने की जरूरत नहीं है, मसाले भी अच्छे से भुने हुए हैं, तो इसे हम कवर कर देंगे और इसे हम कुछ देर के लिए पकाएंगे, 3 से 4 मिनट के लो फ्लेम पे। तो इसे हमने पका लिया है, ऑयल यहाँ पे देखे कम्प्लीटली सेपरेट हो गया, देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। तो यहाँ पे हम इसे मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे ना इससे ज़्यादा आप इसे ना पकाएं, क्योंकि ठंडी होने के बाद ना ये सब्ज़ी और ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है। तो इसमें मैंने यहाँ पे डाल दिया है कटा हुआ हरा धनिया, बहुत बढ़िया लगता है, बिल्कुल भी स्किप ना करें और आप इसे मिक्स कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए हमने सिंपल मसाले से बनाई है और बहुत ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी बनेगी अगर आप इस तरीके से बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे सब्ज़ी हमारी ठंडी हो गई है, बहुत ज़्यादा गाढ़ी सी हो गई है, बिल्कुल परफेक्ट है। इसे आप चावल के साथ खा सकते हैं, बहुत बढ़िया लगेगी, पूरी के साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ खा सकते हैं। तो इस टेस्टी मज़ेदार रेसिपी को आप अपने घर में एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, मेरे तरीके से बहुत ज़्यादा आपको पसंद आएगी। आप इसकी गार्निश कर सकते हैं थोड़े से जिंजर के स्लाइस के साथ और धनिया की पत्तियों से मैंने इसके हल्की सी गार्निश कर दी है। तो फ्रेंड्स इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।